इसलिए मैं आपसे दरखास्त करूंगा, माओ बहनों से दरखास्त करूंगा, आज मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं है। जो भगवान राम को समझते हैं कि भगवान राम सिर्फ उनका है, उनसे मैं कहना चाहता हूं भगवान राम विश्व के भगवान है। वो किसी हिंदू का भगवान नहीं है, वो सबका भगवान है। वो उनका भी भगवान है जो भगवान मानते नहीं है। हम कहते हैं अल्लाह को रब्बुल आलमीन, आलमों का रब है। मानने वाले हैं माने, नहीं मानने वाले नहीं माने। मगर जो ये बैठे हुए हैं कहते हैं नहीं राम हमारा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं राम तुम्हारा ही नहीं है, राम सबका है। इसलिए जब राम सबका है तो फिर सब फिर ये समझना चाहिए कि हमने इकट्ठे चलना है और अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने धर्म को भी मजबूत करना है। अगर हम धर्म से पीछे हट गए तो हमारी बर्बादी हो गई। बच्चों को धर्म सिखाइए और सही धर्म सिखाइए। कोई धर्म नहीं कहता कि चोरी करो, बेईमानी करो, बलात्कार करो, नहीं कहता कोई धर्म। वो सिर्फ कहते हैं सही चलो, ये रास्ता सही है। आप कोई भी पुस्तक देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, गुरु नानक जी की वो किताब देख लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब, उसमें देखिए कैसे वो बात करते हैं एक धर्म एक एकता की। कोई भी धर्म खराब नहीं है, इंसान खराब है, धर्म खराब। इसे जब तक हम धर्म को जोड़ते रहेंगे, एक दूसरे को पहचानते रखेंगे, जब मैं अपना धर्म सीख सकूंगा और समझ जाऊंगा तो मुझे दूसरा धर्म बुरा नहीं लगेगा। जब मैं अपना ही धर्म नहीं जानता हूं तो मैं दूसरे के धर्म को क्या जानता हूं। इससे मेरी आपसे अपील होगी कि बहुत इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन में, ये खतरे में है हिंदू, खतरे में। अरे यार 70% 80% तो हिंदू हिंदुस्तान में, खतरे कौन है? वो जो खतरा पैदा करने की कोशिश करते हैं उनसे डरिए और सही रास्ता देख लीजिए कि रास्ता कहाँ है, कौन सा रास्ता है, और उससे मांगिए कि प्रभु हमें सही रास्ता दिखा, क्योंकि प्रभु ही है सब कुछ, उसी के पास हमने जाना भी है। ये जिंदगी बहुत कम वक्त की है, आप 200 साल भी जियो तब भी कम।